हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सी डिश लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल। आप इसको व्रत में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साबूदाना खीर बना रहे हैं। तो 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको उबल जाने दिया है। उसमें हमने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दिया। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और हमने ये 4 से 5 घंटे पहले ही साबूदाना को भिगोने रख दिया था, तो ये साबूदाना अच्छे से भीग गया है। हमने 1/2 बाउल साबूदाना को इसमें ऐड कर दिया है और साबूदाना को इसके साथ अच्छे से दूध के साथ अच्छे से पक जाने देते हैं। मिनिमम 1/2 घंटे इसको मीडियम टू स्लो गैस पर पकाएंगे। जैसे जैसे ये साबूदाना पकेगा तो ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। और इसमें हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रहे हैं उबलते टाइम। यदि आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है तो आप इसको उबलते टाइम, जैसे ये दूध उबल रहा है तो इसी टाइम आप ड्राई फ्रूट्स काट के काजू बादाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 घंटे में ही हमारी साबूदाना खीर बनकर रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इसको हम पकाते हैं। तो ये देखिए 1/2 क्वांटिटी की हो गई है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से यदि आप साबूदाना खीर बनाकर ट्राई करेंगे तो आप इसे नवरात्रि में इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम सेकंड डिश बनाते हैं साबूदाना की। इसके लिए हमने 2 उबले आलू ले लिया है। आलू को अच्छे से मैश कर लिया और अब इसमें हम भीगे हुए साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना और उबले आलू दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर दिए। 2 टेबल स्पून भुना हुआ रोस्टेड पीनट्स का पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर दिया और स्वाद अनुसार सेंधा नमक ऐड कर देते हैं हम। 1/2 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू रस डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें हमने बारीक हरी धनिया काटकर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको मिनिमम 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक हम चटनी तैयार करते हैं। चटनी तैयार करने के लिए 1/2 टीस्पून रोस्टेड पीनट्स ले लिया है। उसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक ऐड कर देते हैं हम। ये झटपट से चटनी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यदि आप कटलेट या कुछ भी बना रहे हैं साबूदाना वगैरह के साथ, खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसमें हरी धनिया ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून हमने फ्रेश दही ऐड किया। इसमें स्वाद अनुसार नमक, सेंधा नमक और थोड़ा जीरा ऐड करते हुए इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब इसमें हम तड़का लगाते हैं। तो थोड़ा सा हमने फ्राई पैन पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा इसमें हमने मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिया और लाल मिर्च ऐड कर दिया, थोड़े से कढ़ी पत्ता। उसके बाद हम इस तड़के को इस चटनी में मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चटनी को ज़रूर इंजॉय करें। तो चलिए हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गोल गोल इसकी बॉल्स बना लिया है। या आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। यदि आप गोल में बनाना चाहते हैं या चपटे शेप में, तो हाथ से इसको प्रेस कर दें तो वैसे आप कर सकते हैं। और इसको आप रिफाइंड ऑयल में डीप फ्राई कर देंगे तो आपके फटाफट से ये कटलेट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप इस नवरात्रि में इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अब हम साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी ले लिया है। घी में यदि हम साबूदाना खिचड़ी बनाते तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हमने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च और आलू ऐड कर देंगे। यदि आपके पास उबले आलू हैं तो वो इस समय डालकर पका लें, नहीं तो यदि आपके पास उबले आलू नहीं है तो कच्चे आलू को आप 3 से 4 मिनट कुक हो जाने दें। उसके बाद आप इसमें टमाटर ऐड करें। तो थोड़ा सा हमने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी में। और वैसे भी अभी गर्मी का सीज़न है तो थोड़ी खट्टी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, उपवास वाला सेंधा नमक। और इसमें हमने भीगा हुआ साबूदाना ऐड कर दिया। थोड़ा सा रोस्टेड पीनट्स का पाउडर ऐड कर दिया। ये मूंगफली का पाउडर तो आप इस समय नवरात्रि समय बनाकर ही रख लें तो अच्छा है पहले से। और इसमें थोड़े से रोस्टेड पीनट्स डाल दिया है और इसको हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट पक जाने देते हैं। ऐसे यदि आप ढककर पकाएंगे तो आपका साबूदाना कभी कड़ा नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा खिला खिला सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। तो ये हमारा साबूदाना बनकर तैयार हो गया है। हरी धनिया काटकर इसमें ऐड कर दें तो आप इसको एंजॉय करें इस नवरात्रा में। तो चलिए अब हम साबूदाना पापड़ बनाते हैं। तो इसके लिए हमने
एक केजी साबूदाना ले लिया है। साबूदाना को 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया है और इसको हम लगभग 10 से 12 घंटे के लिए होने के लिए रख देते हैं पानी में। अच्छे से इसको डिप करके रख देंगे। साबूदाना से ऊपर तक लेवल रहना चाहिए डिप करने के बाद। 10 से 12 घंटे में ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि नीचे से साबूदाना नीचे ना बैठे। और यदि आप कुछ काम कर रहे हो तो इसका गैस का फ्लेम स्लो कर दें। और इसमें हमने सैंधा नमक ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब भी आप साबूदाना को इसमें पकाएं तो डबल क्वांटिटी में पानी रखना है। जैसे 1 kg साबूदाना तो 2 लीटर पानी। और इसको आप पकाते जाएं, पकाते पकाते देखेंगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको पकाना है। पानी की क्वांटिटी हम कम नहीं रखेंगे। यदि पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो उबाल उबाल कर वो पानी कम होता जाएगा। और यदि आप इसमें काली मिर्च डालना चाहते हैं तो काली मिर्च का पाउडर इसमें मिला दें। तो जब थिक हो गया था तो हम इसके पापड़ बनाते हैं। धूप में हमने पॉलीथीन की शीट बिछा दी है और इसमें 1 चम्मच से डालते जाते हैं। इसको हमको चम्मच से फैलाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बैटर ऐसे डालते जाएं। लगभग 1 घंटे बाद देखते हैं तो ये पापड़ ऊपर से सूख गए हैं, तो इसको पलट देते हैं। ये हमारे साबूदाना पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। तो देखिए इसमें एक भी साबूदाना नहीं दिख रहा है। जैसे कि मार्केट के साबूदाना पापड़ लाते हैं तो उसमें खड़ा खड़ा साबूदाना रहता है ना। तो आप इस तरीके से पापड़ बनाएंगे तो बूढ़े बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। तो चलिए सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम रसगुल्ला बनाते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हमने 2 लीटर गाय का दूध ले लिया है। गाय का दूध या पतला दूध हो वो लेना है। इसके लिए हमको भैंस का दूध नहीं लेना है। पतले दूध से ही हमारा छेना अच्छा बनेगा। जब तक हमने गर्म करने रख दिया है दूध को, तो दूसरी तरफ हम नींबू का रस निकाल लेते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार नींबू का रस निकाल लें 3 से 4 जितना भी, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें 2 से 3 टेबल स्पून। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको दूध में मिलाते जाते हैं नींबू के रस को। दूध यदि हमारा गर्म हो जाता है तो हमको गैस का फ्लेम ऑफ करना है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा दूध गर्म करेंगे तो हमारा छेना सॉफ्ट नहीं बनेगा। हमने गैस से भी इसको उतार दिया है। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में से डालते जाएं। और यदि देख रहे हैं कि हमारा पूरा नींबू का रस डालने के बाद भी इससे छेना नहीं हट रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट के लिए गैस में रख दें। तो आप देखेंगे कि थोड़ा गर्म होगा तो अपनी आप ये पूरा छेना हट जाएगा। तो हमारा छेना इससे अलग हो गया है। छेना को हटाने के लिए आप इस तरीके से इसको 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धुल लें ताकि इसमें नींबू का फ्लेवर ना रहे। यदि आप अच्छे से नहीं धुलेंगे तो इसमें नींबू के कारण से छेना खट्टा खट्टा बनेगा। इसमें हमने वेट रख दिया है। 1/2 घंटे बाद हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने 1/2 kg चीनी लिया है। तो डबल क्वांटिटी में 1 लीटर हमने पानी लिया है। जितना चीनी तो उससे डबल क्वांटिटी में आप पानी लें। इसमें हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया। और जब तक हमारा चाशनी गर्म हो रही है तो हम देखते हैं 1/2 घंटे में ये जो है पूरा इससे एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। पूरा इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए। 1/2 घंटे में ये निकल जाता है। और इसको हम हाथ से बहुत ही अच्छे से मैश करेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट तो मिनिमम करना ही है। जितना अच्छा आप इसको मैश करेंगे उतने ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। यही इसकी मेन ट्रिक है। और देखेंगे कि ये जितने अच्छे मैश हो जाता है, मैश होने के बाद ये अपनी आप थाली छोड़ देता है। इस तरीके से थाली में भी नहीं चिपकता है छेना। और इसके आप जिस भी साइज़ के बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े, उस तरीके से आप इसके छेना के बॉल्स बना लें। आप इस नवरात्रि में इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम सारे छेने को चाशनी में पकाएंगे। चाशनी को हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। जब इस चाशनी में अच्छा उबाल आने लगे, गैस का फ्लेम इस समय हमको फुल पे रखना है, और इस तरीके से अच्छे से इसमें उबाल आने लगे उसके बाद ही इसमें हम एक एक करके सारे छेने डाल देते हैं। और 10 मिनट तक हमने इसको खुले में पकाया था फुल गैस करके, और उसको फिर हमने ढककर 5 मिनट के लिए पकाया है। और इसके बाद ही हम इसको चम्मच से चलाएंगे। शुरुआत में हमको इसमें चम्मच नहीं चलानी है। लगभग 10 मिनट तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं चलानी है, क्योंकि यदि हम चम्मच चला देंगे तो हमारे छेना फूट सकते हैं। तो हमने फिर से थोड़ी देर बाद इसको ढककर फिर से पकाया, लगभग 5 से 6 मिनट। तो टोटल हमने 30 मिनट इसको पकाया है। और हमको चाशनी ज़्यादा ही रखनी है। कम चाशनी यदि रखेंगे तो आपके छेना अच्छे से नहीं कुक हो पाएंगे। यदि आपकी चाशनी बच भी जाती है तो आप इससे शक्कर पारे या मीठी पूरी वगैरह बना सकते हैं।
तो आप ये देखिए 30 मिनट में हमारे छेना सॉफ्ट सॉफ्ट छेना बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको नवरात्रि में एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आप व्रत से रिलेटेड और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। सिंगाड़े की काची या दही वाले आलू या खरबूजा शेक बनाना चाहते हैं तो आप इस नवरात्रि में ज़रूर ट्राई करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।